राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और हैप्पी नवरात्रि। और आज आ रखा हूँ मैं शिमला में, आपको शिमला का नज़ारा दिखाता हूँ। ये चारों तरफ बस धुंध ही धुंध है। मजाक कर रहा हूँ, मैं यही हूँ हरियाणा में, लेकिन यहाँ पे भाई आज अब मतलब आज फर्स्ट डे है, धुंध लगनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो भाई मौसम तो बड़ा सेंटी हो रखा है सुबह सुबह 6 बजे। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रखा है हरियाणा में। फर्स्ट डे फॉग लग गई है भाई, फॉग लगनी स्टार्ट हो गई, मतलब सर्दी आनी स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की। दिन में तो रहती है गर्मी, लेकिन शाम को नॉर्मली रहता है। तो ये बिल्कुल ही धुंध लग रखी है जैसी मैं बाहर आया। जीत वगैरह तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, सच में यार इतना अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। इतने टाइम बाद थोड़ी सर्दी वाली फीलिंग आई है। बचपन में यार खूब नवरात्रे रखे कि हाँ भी, जब छोटे छोटे थे शौक रहता था कि नवरात्रे रखने, ये है वो है, होता है क्रेज सा एक। तो बचपन में खूब नवरात्रे रखे, अब थोड़ी बड़े बड़े हो गए तो भाई आलस आ गया शरीर में। अभी मैं जीतू से यही बोल रहा था कि पहले नहा के चलें या फिर आके नहाएंगे, तो ये बोल रहा कि भाई पहले जिम कर लेते हैं फिर आके नहाएंगे, फिर माता रानी के मंदिर में जाएंगे। हम आ गए हैं जिम में और जीतू को रहती है ऑलवेज थाई की, थाई की करो थाई की करो, और मैं भागता हूँ थाई की एक्सरसाइज से दूर क्योंकि नी होते ना ना, हमें नीम मजबूत करनी नहीं है ना, हमारा घर बना बनाया, हमें नीम मजबूत नहीं करनी है भाई भाई की, भैया हमसे नहीं होती है। लोग कहते हैं ना कि पाउडर खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, भाई जिम आके देखा करो कितनी मेहनत लगती है, हालत खराब हो जाती है पूरी। इतना हैवी हैवी वेट उठाना आसान बात नहीं है। क्या भाई जीतू, जीतू कहा था भाई, जीतू को तो लोग कह रहा है, जीतू को पता है, जीतू को क्या बताएगा, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है सच में कि भाई हालत खराब हो जाती है जिम में। लोग तो ऐसे कह देते हैं कि हाँ भाई पाउडर खा रहे हो, खा रहे हो। ये हमेशा यही कहता है कि हाँ भाई थाई की एक्सरसाइज करो, थाई की करो, भाई नहीं होती थाई की, क्यों करें, अगले दिन चलना भी हमें। और मैं तो वैसे ही अवॉइड करता हूँ थाई की एक्सरसाइज को, बहुत कम करता हूँ। जब हाँ भी रेगुलर जिम जाना कर दिया कंटिन्यू 2 महीने तक, तो उसके बाद मैं करता हूँ। अब एकदम से कहां से होगी, कितना वेट उठाया आज तेने, इसने उठा दिया 220 के करीब वेट उठाया इसने। अब मेरे से भी कह रहा उठाओ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, आज पहला दिन है, तो हमारा भी व्रत है, जीतू का भी है। तेरा ना है फास्ट नहीं रखो, फास्ट रखो तन खा तो लिए नमकीन। तो हमारा तन खा को हम बढ़ती नहीं चरती है ना, चरती। दोस्तों हमारा है फास्ट और अब हम कर रहे हैं इसे स्लो। नहाए ना धोए ना स्लो ठंडे नहा लेंगे अब, नया जिम करके आए हैं, शरीर में प्रोटीन तो चाहिए। ये देखो सेब केला प्लस में जीतू नमकीन। तो
भाई फिलहाल हमारा हो गया है भोजन और नवरात्रि का फास्ट हो गया चालू हमारा। घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। ना नहीं जा रहा क्यों? मन में ही भाई इसके तो भाई मन में ही शेरा वाली माता बैठी है। कितने व्रत रखे थे ने? मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखता हूँ बस। नवरात्रि तेने कभी ना रखे? एक बार रखे बस, फिर रखे ही ना, कुछ मिला ही ना। तो मतलब कुछ मिलने के लिए रखता? हाँ भैया कतई, अरे वाह, मिलने के लिए रखता हूँ। और क्या बोलते हैं, अब जन्माष्टमी का व्रत रखता हूँ, कसम से भगवान कृष्ण बहुत भर भर के देते हैं, गोजा भर भर के गोजा। अरे चलो भैया, इसे तो कुछ मिला नहीं, मतलब बेनिफिट के लिए रखता है फास्ट ये। अब बेनिफिट देखो इसे कब होता है। यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है, पेड़ हैं, हरे भरे पार्क बना रखा है इस साइड में बैठने के लिए। ये नहीं है आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जाओ, कोई इशू नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। पीछे कुंड भी बना रखा है नहाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, खुश रहें, स्माइल करते रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम, जय हो श्री वाली माता की।